की नज़ाकत आज कईयों को घायल कर जाएगी, तो कहीं किसी के झुमके भी कह ढाएंगे। मांग टीके से लेकर आज इन टीवी रिवाज के लॉन्ग तक के खूब लश्कारे मार रहे हैं। छोटे पर्दे के ये पठान कैसे पिछड़ सकते हैं, जरा इन लड़कों पर भी गौर फरमाइए। अपने सपनों जैसी शादी को सच कर दिखाया फैजल और गजाला ने। जी हाँ, ये फैजल वही है जो छोटे पर्दे पर कई किरदार निभाते हुए नजर आ चुके हैं। और हाँ, छोटे पर्दे की दुनिया में इनको इनकी फोटोग्राफी के लिए फोटो वाला भी बुलाया जाता है। और आज अपनी ड्रीम वेडिंग में व्हाइट एंड गोल्डन की थीम इन्होंने रखी, जिस थीम को इनके दोस्तों ने बखूबी पूरा किया। पहले बात करते हैं दुल्हा दुल्हन की, जिनके निकाह की खुशी उन दोनों के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। गजाला किसी जन्नत से उतरी परी लग रही थी, तो वहीं फैजल उनका शहजादा। आपको बाकी सितारों की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पर हमारी सबसे पहली मुलाकात हुई पूजा गौर और राज सिंह अरोरा से। और यकीन मानिए, पूजा कई दिनों बाद साड़ी के अवतार में दिखी। बहुत तैयारी की यार, आई मीन फैजल और गजाला की शादी एक स्पेशल थीम था, व्हाइट एंड गोल्ड, तो आई हैड टू फॉलो एंड यस, बहुत सालों बाद साड़ी पहनी हूं मैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं काम्या पंजाबी के पास, जो इस कंफ्यूजन में फंसी है कि विशाल सिंह और आशीष शर्मा में से कौन ज्यादा अच्छा दिख रहा है। मैंने कुछ नहीं करा है, मेरे वजह से लोगों की शादियां हुई हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने कुछ नहीं करवाया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम साथ में बड़े हुए हैं। विशाल तो नहीं, मैं और आशीष साथ में एक्चुअली बड़े हुए हैं। वेल, पठानी और इस चमकती कोटी के साथ हुसैन को देख कर तो सबका दिल अटक जाएगा। और टीना भाई, उनको तो क्या कहने, व्हाइट कलर के इस लहंगे और अपने मांग टीके के साथ वो तो मानो इस शादी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। क्योंकि इन्होंने कुछ थीम सी दे दी थी व्हाइट एंड गोल्ड, तो झक मार के सब लोगों नए कपड़े बनाने पड़े व्हाइट एंड गोल्ड में। कोई भी पुराना कोई भी कपड़ा पहन नहीं सकता था आज, इट वॉज इम्पॉसिबल। इट्स जस्ट नाइस, बिकॉज क्या होता है कि पूरा पूरा जो डेकोर है, अगर आप देखें और लोगों को भी देखें ना, तो कुछ ऐसे एकदम कोऑर्डिनेटेड सा और एकदम ड्रीमी लगता है। एंड एवरी टाइम दैट यू नो समबडी इज गेटिंग मैरिड, उन्हें हमेशा लगता है कि हाँ, हमारा निकाह या हमारी शादी, हमारा सेलिब्रेशन एकदम ड्रीमी अफेयर होना चाहिए। वैसे कोई एक नन्ही सी परी भी थी जो इस शादी में सबका ध्यान खींच रही थी। जी हाँ, ये छोटी सी परी कोई और नहीं बल्कि शरद और कीर्ति की बेटी है, जिसके साथ हुसैन और टीना अपना फोटोशूट करा रहे हैं। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते हैं दूल्हे की बहना के पास, यानी कि रुबीना के पास, जिन्होंने अपने भाई के इस रिसेप्शन में देरी से शिरकत की। लेकिन रूबी की ये खूबसूरती देखकर तो समझ आ गया कि उन्हें इतना वक्त क्यों लग गया। इट्स अ व्हाइट एंड गोल्ड थीम, तो टिपिकल व्हाइट और गोल्ड नहीं करना था, सो आई थॉट ऑफ सम फ्यूजन, सो आई डिड वेरी सिंपल आउटफिट विद धोती एंड अ कुर्ता, बट
I just accessorized it differently. So my cut, which is like a sleeve, and my neck piece, that's it. सास बहू और साजिश में ये छोटी सी झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारी तरफ से फैजल और गजाला को एक नई शुरुआत की ढेर शुभकामनाएं। निशा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।